सलाम दोस्तों, मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है चाइना में महंगाई के हवाले से। चीन में जो खाने पीने की जो अशिया हैं वो कितनी महंगी हैं और क्या कोविड के बाद जो है यहाँ पर महंगाई बढ़ी है कि नहीं या सेम रेट्स है। तो और उसके अलावा जो है काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक स्टूडेंट जो है वो कितने रुपये में या मतलब कितने आरएमबी में जो है वो एक महीने का गुजारा करता है। तो उन सारे सवालों के जवाब जो है वो आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो उस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी के नज़दीक एक जो मार्केट है, यहाँ से सब्ज़ी फ्रूट और गोश्त जो भी चीज़ें जो खाने पीने की वो मिलती हैं वहाँ पर जा रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो है वो कुछ सुपरमार्केट भी हैं जिस तरह वॉलमार्ट वगैरह होता है ना, जैसे वहाँ पे सब्ज़ी वगैरह और गोश्त वगैरह सारा मिल जाता है। तो यहाँ पे दूसरी दो तीन और भी हैं साइड में, लेकिन हम जो है वो सब्ज़ी मार्केट जा रहे हैं जैसे सब्ज़ी और वो मिलती है। तो वो मैं आपको दिखाऊँगा वहाँ पर क्या रेट है। और अब बात आ जाती है कि गोश्त यहाँ पर जो है वो हलाल मिलता है कि नहीं। गोश्त यहाँ पर हलाल भी मिलता है, काफ़ी तरीके हैं यहाँ पर हलाल गोश्त लेने के। या तो आप खुद जा कर जो है वो अपना जो है वो चिकन वगैरह वहाँ पर लें, या जो है बकरा लें या कोई दुबा वगैरह लें उसको खुद ज़ुबा करें, एक ये तरीका है। और दूसरा जो है यहाँ पे शिंजानी है, शिंजानियों के पास भी जो है वो हलाल गोश्त होता है, वो अपना जो है वो बकरा वगैरह लेते हैं तो वो खुद उसको ज़ुबा करते हैं तो वो भी हलाल होता है। लेकिन हम आज चिकन लेंगे तो चिकन यहाँ पे जो है वो एक कंपनी है, तो वहाँ पर जो है हलाल कंपनी जिस तरह पाकिस्तान में और दूसरी जगहों पर जो है वो हलाल कंपनीज होती हैं, तो वहीं से जो है वो कंपनी से ही जो है पैक आता है हलाल, जिस पर वो एक उनका मोनो लगा होता है कि भाई ये जो चिकन जो है वो हलाल है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके भी क्या रेट है यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली हम जो है इस मार्केट में पहुँच गए हैं। आप देख रहे हैं ये ऊपर जो है वो ये सुपरमार्केट है, ठीक है। इसका नाम है थियन रमन शंग हो छाउश इसका नाम है। और ऊपर भी हम जो है वो सब्ज़ी वगैरह लेने जा सकते हैं, लेकिन ऊपर सब्ज़ी फ्रेश नहीं होती, तो हम नीचे जाएँगे। नीचे जहाँ पर जो है वो सब्ज़ी वगैरह फ्रेश आती है, ये फ्रेश सब्ज़ी जो है वो अपने अपने गाँव से अपने घर से लेके आती हैं, जो अपने घर में वो खुद उगाती हैं तो वहाँ से लेके आती हैं। अभी आप देख रहे हैं ये खुद आकर यहाँ पे बेचती हैं, ये इस तरह भी बैठे हैं, ये मिर्चे वगैरह बेच रही है, ये मतलब खुद इनकी अपनी ज़मीनों की होती है, ये खुद लेके आती हैं और ये सस्ता भी देती हैं। दोस्तों अभी हम शॉप पे आ गए हैं, ये ऊपर अरबिक में लिखा हुआ है अल इस्लामी छिंगचन बोलते हैं चाइनीज़ में हलाल को। तो यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हमको हलाल गोश्त मिलेगा, चिकन वगैरह सारा कुछ। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे। नहीं हाँ भाई क्या चीरो हाँ। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ये यहाँ पे छिंगचन लिखा हुआ है, ये छिंगचन मतलब हलाल, तो ये हलाल है। काफ़ी लोग जो है वो उसको ले लेते हैं, हम भी ले लेते हैं इसको, क्योंकि ये जो कंपनी से आता है ये कंपनी शानडोंग में है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा ये शानडोंग में है या कहीं और जगह पे है, क्योंकि हम जहाँ पे पिछली जगह पे थे, हम पिछले सिटी में, तो वहाँ पे जो आता था चिकन वो शानडोंग से आता था, वो शानडोंग में कंपनी हलाल। और दोस्तों ये जो चिकन है वो लियाओनिंग से आ रहा है, लियाओनिंग जो है वो नॉर्थ प्रोवेंस है चाइना का, और शानडोंग में भी मतलब काफ़ी जगहों पर जो है वो हलाल कंपनीज हैं। चलो हम लेते हैं अभी इसको, हमने जो है वो दो पीस लेने हैं, चेस पीस जो है वो दो लेने हैं हमें। अभी आप देख रहे हैं ये दो पीस हमने ले लिए हैं, और इसके अलावा जो है हम उसको चार जो है वो लेग पीस भी लेंगे, लेग पीस आई ना चीत हुए था ना चीत हुए चौदह, क्योंकि हम दो बंदे हैं तो दो चेस्ट पीस और चार हम लेग पीस लेंगे तो हमारे लिए इनफ हो जाएगा। ये हैं लेग पीस, आप देख रहे हैं अभी तो हम चार पीस लेंगे। तो दोस्तों अभी हमारे जो है वो 18 युआन हुए हैं, अभी हमने इसको जो है वो इसका QR कोड स्कैन किया है, अभी इसको 18 युआन हम देंगे। आप देख रहे हैं 18 युआन, तो ये हमने पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें वो एक चिन के हिसाब से मिलती हैं, मतलब हम जहाँ पे अपने कंट्री में जो एक किलोग्राम लेते हैं एक केजी लेते हैं, यहाँ पे जो है वो हाफ़ केजी के हिसाब से तस्वर किया जाता है। एक चिन जो है वो चाइना में
हाफ केजी को बोलते हैं। तो ये रेट जो आप जिस चीज़ का भी पूछेंगे तो आपको हाफ केजी के हिसाब से बताएंगे, मतलब वन चिन एक चिन के हिसाब से आपको बताएंगे। कितने का किलो है दोस्तों? ये उर्दू समझ रही है, मैंने तो बोला कितने का किलो है, बोले शंख है वो। तो ये भी शंख है वो। अभी आप चाइनीज में रेट सुन ले, उसके बाद मैं आपको उर्दू में बताता हूँ, ठीक है? शंख है वो, शंख है वो। और इसके अलावा आई चेक तो शाची ई चिन तो शाची ऊपर ई चिन, ये ऊपर का ई चिन है, पांच वन का एक चिन। आई चेक ऊपर सिंपल है वो। टमाटर बड़े महंगे दिए यहाँ पे, 4.5 युआन का एक चिन है, मतलब के आप समझ लें कि 9 युआन का एक केजी है, और 9 युआन तकरीबन पाकिस्तानी 270-280 रुपये होते हैं। आई जगह पूछा मैं और छीता रमा, आई जगह मैं और शिंचियन, मैं और शिंचियन, मैं और शिंचियन, मैं और शिंचियन, मैं और छीता रमा,没有吗？哎，这个多少钱？三块。这三元卡一斤呢，可以？आज के हमारे सब्जी के जो है वो सारे 12 युआन हुए हैं, क्योंकि हमने जो है वो एक दिन के हिसाब से लिए कुछ, मतलब हम इतनी कुकिंग नहीं करते। तो अभी मैं इसको अभी दूंगा सारे 12 युआन, अब अभी देख रहे हैं ये, ठीक है? तो मैं इसको पे करूंगा। अभी हम बेकरी पे आए हैं, अब देख रहे हैं, ये हम बिस्किट लेते थे, पहले ये 10 युआन का एक चिन था, मतलब 10 युआन में हमें आधा किलो मिलता था, अभी इन्होंने 12 युआन का जो है वो आधा किलो कर दिया है, मतलब 2 युआन उन्होंने बढ़ा दिए एक महीने में। रमज़ान में हम लेते थे 10 युआन का और अभी है 12 युआन का, तो अभी आप समझ रहे हैं कि कितनी महंगाई यहाँ पे है। तो ये बिस्किट जो है वो ख़त्म हो गए आज, ठीक है? पिंगवा यो माँ, यो माँ चल रहा तो दोस्तों अभी हमने सामान ले लिया अपने साथ, अभी मैं आपको बताऊंगा उर्दू में जो है वो क्या रेट हैं इसके, ठीक है? पहले मैं उसमें चाइनीज में बोल रहा था, शायद कुछ उर्दू में भी बताया। तो प्याज और आलू जो है वो हमें मिले हैं 3.5 युआन का एक चीन, मतलब आधा किलो, 3.5 मतलब पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन ये कोई 110-115 रुपये, ठीक है? और टमाटर जो मिले हैं वो मिले हैं 4.5 युआन पर चीन, मतलब 4.5 युआन आधा किलो, तो ये पाकिस्तानी तकरीबन हो जाते हैं कोई 120-130 के दरमियान, ठीक है? अच्छा, और मिर्चें जो थी वो हैं 5 युआन एक चिन, मतलब 5 युआन का आधा किलो। तो हमने मिर्चें तो आधा किलो के हिसाब से नहीं लिए, हमने खाली 2 ही लिए हैं क्योंकि हमें आज ही बनानी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बहुत महंगी हैं, मतलब बहुत महंगी इस वजह से हैं कि हम जब पिछले स्थिति में थे, जब मैं गुलिन में था लास्ट टाइम, आपने मेरी विजुअल देखी होंगी, तो वहाँ पर जो ये चीज़ें हैं बहुत सस्ती मिलती थी, मतलब हाफ रेट में मिलती थी, और अभी भी वहाँ पर वही रेट है। फ़र्क ये है कि वहाँ से हम जो लेते थे वो मार्केट जो है वो होलसेल मार्केट थी, जिस तरह कराची में सब्ज़ी मंडी है ना, उस तरह जो यहाँ पे गुलिन में सब्ज़ी मंडी होती थी, हम वहाँ से जाके लेते थे, और वो सब्ज़ी मंडी हमारी यूनिवर्सिटी के पास ही होती थी, तो हमें बड़ी आसानी होती थी वहाँ पे जाके चीज़ें लेने। और सेम ही इसी तरह की भी मार्केट होती थी, वहाँ पे चीज़ें जो है वो डबल होती थी। अभी मसाल टमाटर जो है वो 4.5 के मिले, तो वहाँ पे उस सब्ज़ी मंडी में हमें 2.5 से लेके 3 तक मिल सकते हैं,
तो बड़ा फ़र्क है। मतलब अगर हम सब्जी मंडी में जो होलसेल मार्केट है वहाँ से लेते हैं, या हम जो है वो इस तरह की जो है वो किसी मार्केट से लेते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि एक स्टूडेंट जो है वो एक महीने में कितना खर्चा करता है यहाँ पे, तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो कहाँ पे खाना खाते हैं, या आप खुद अपनी कुकिंग करते हैं, या आप जो है वो कैंटीन पे खाते हैं। अगर आप कैंटीन पे खाते हैं तो वो कैंटीन के जो रेट्स हैं वो मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताए हुए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंटीन में जो है वो चीज़ों के क्या रेट हैं। और जो लोग खुद अपनी कुकिंग करते हैं तो वो उनका तकरीबन महीने का खर्चा जो है वो मिला के गोश्त मच्छी ये वो सारा कुछ मिला के 500 से 600 युआन तक आता है। और वो बंदा जो है वो काफ़ी बंदे ऐसे भी हैं जो खुद अकेले कुकिंग करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वो मिल के कुकिंग करते हैं, मतलब दो बंदे या तीन बंदे मिल के कुकिंग करते हैं। तो अगर आप मिल के कुकिंग करते हो तो आपका खर्चा जो है वो 400 युआन तक आ सकता है, क्योंकि जब आप मिल के चीज़ें बनाओगे तो वो आपको थोड़ी सस्ती भी पड़ेंगी, और आप जो है वो उसको मतलब ज़्यादा बनाएंगे, और आप इसको दिन को भी खा सकते हैं तो रात को भी, तो मतलब इससे जो है वो काफ़ी बचत हो जाती है। तो कैंटीन पे अगर आप खाते हैं तो ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कि 900 युआन से लेके 1000 युआन तक आपका कैंटीन पे मतलब महीना खर्चा आ जाता है, क्योंकि आपको एक डिश जो है वो कम अज़ कम जो है ना कम अज़ कम 8 युआन की पड़ती है। मतलब चावल और आप एक डिश ले लो, सब्ज़ी ले लो, कुछ भी, तो 8 युआन की मिनिमम पड़ती है। मैक्सिमम 15 युआन आप लगा लें, ठीक है, एक टाइम के। तो दो टाइम आप कैंटीन पर खाओगे तो उसके हो जाएंगे 25 से 30 युआन। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 20 तक करते हो स्पेन, या 30 युआन करते हो, 25 युआन करते हो, तो ओवरऑल जो है वो आप पे ही डिपेंड करता है। तो मेरे जो है वो कैंटीन पे लग जाते हैं 800 से 900 युआन पर मंथ, ठीक है। मैं क्योंकि कैंटीन पे ही खाता हूँ, और हम कुकिंग जो है वो कभी कभी करते हैं, डेली नहीं करते, तो मेरा जो खर्चा है वो थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि मैं कैंटीन पर खाता हूँ, और इसके अलावा जो है वो बाकी चीज़ें पानी है और फ्रूट वगैरह ये वो सारा कुछ मिला के, तो मेरा खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है। अगर आप लोग खुद अपनी कुकिंग करेंगे तो आप लोगों का खर्चा जो है वो कम आ जाएगा। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे हॉस्टल में क्या फैसिलिटीज़ हैं किचन की, आप कुकिंग वगैरह यहाँ पे किस तरह कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ने क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं हॉस्टल में, किचन वगैरह जो है वो किस तरह का है, क्योंकि यहाँ पर हम रूम में कुकिंग नहीं कर सकते, रूम में जो है वो कुकिंग करना जो है वो अलाउ नहीं है। दोस्तों, तो चाइना में जो है वो महंगाई इस हिसाब से बढ़ी है कि हमारी जो करेंसी है ना पाकिस्तानी, वो डाउन हो गई है। तो क्योंकि हम पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं जो अगर यहाँ पे चाइना में कोई चीज़ लेते हैं तो उसको पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से जो है वो उसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि पाकिस्तान में हमें ये चीज़ कितने की पड़ेगी। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब शुरू में नए नए यहाँ पर आए थे उस टाइम पर जो है वो अगर एक बंदे का 500 युआन डोमेट्री में खुद कुकिंग करते हुए खर्चा आता है, तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये बनते थे। अभी वही अगर 500 युआन अगर रूम पे कुकिंग करने में आते हैं तो होते हैं 15,000, मतलब डबल हो गए हैं। उस टाइम पे आरएमबी का जो रेट था वो एक आरएमबी पाकिस्तानी 15 रुपये होते थे, 15 रुपये, 15.5 रुपये, 2017 की बात है, और अब तकरीबन 30 से 31 रुपये का चल रहा है, तो डबल हो गया है मतलब कि। तो उस वजह से जो है वो हमारे लिए जो है वो एक किस्म की महंगाई हो गई अगर हम उसको पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो कोविड की वजह से कोई भी महंगाई नहीं हुई, तकरीबन चीज़ों के रेट जो हैं वही हैं, कोई एक दो चीज़ें जो है वो बढ़ी हैं, लेकिन वो कभी कभी बढ़ती हैं फिर वो उनके रेट नीचे आ जाते हैं। और मैंने यहाँ पे जस्ट आपको जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है कि पाकिस्तानी पैसे कितने होते हैं, हम जो है वो खुद साफ यहाँ पे नहीं करते। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है वो एक स्टूडेंट का कितना खर्चा आता है, और क्या चाइना में वाकई महंगाई है कि नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद, अल्लाह हाफ़िज़।